क्लास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रे बाबा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करे करे स्टार्ट करे। लास्ट लेक्चर क्लियर था? बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये न्यूमेरिकल हम लोगों को निपटाना था, इसको जरा वापस से रीड कर लेते हैं। आई थिंक रिलेटिव वेलोसिटी आपने घर पे जाके एक बार तो वो पीडीएफ ओपन करके देखा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से बात को समझना है। एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एग्जाम्पल 3.6। आपको दिया हुआ है वेलोसिटी एरोप्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा इन द नॉर्थ डायरेक्शन। मेरे हिसाब से वो जे कैप होता है। अगली चीज आपको दिया हुआ है, व्हेन विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड, अगेन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अगर एरोप्लेन एक जगह पे उड़ रहा है तो उसकी स्पीड अगर अर्थ के साथ है, तो विंड जब कहीं पे फ्लो करती है तो उसकी स्पीड भी अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बताई जाती है। दैट इज गिवन टू बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा एंड दिस थिंग इज गिवन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कैन एनीबडी टेल मी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कौन से यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट, अच्छी तरह से जवाब देना। हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आई कैप से दिया जाएगा कि माइनस आई कैप से दिया जाएगा? आई कैप से दिया जाएगा कि माइनस आई कैप से दिया जाएगा? ईस्ट से वेस्ट आप जा रहे हो। दैट्स ग्रेट। माइनस आई कैप्स, ये दो डेटा मिलने के बाद वो पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये हमें बताना है। क्वेश्चन खत्म। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, सब एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की कि जब भी आप अपनी ट्रू वेलोसिटी बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ट्रू वेलोसिटी इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम एट रेस्ट। ये बात हरदम याद रखना। अगर मैं इस चीज को डायरेक्टली लिखना चाहूं, अगर मैं इस चीज को डायरेक्टली आपके सामने लिखना चाहो तो मैं कैसे लिखूंगा? वेरी सिंपल। कोई बता सकता है कैसे लिखूंगा?
इस चीज को लिखने का तरीका। कम ऑन, कल वी ए बी लिखना नहीं सिखाया? कल वी ए बी लिखना सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो बोलो बोलो, कल वी ए बी लिखना सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया, कैसे सिखाया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कैसे लिखना सिखाया बताओ? बहुत अच्छे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड आएगा, ऐसा लिखना सबको आएगा, कोई टेंशन नहीं इसके बारे में। बराबर ऐसे लिखा था, याद है, फैमिली वन की गाड़ी, फैमिली टू की गाड़ी, तो वी वन टू लिखा था तो वी वन माइनस वी टू किया था, वी टू वन लिखेंगे तो टू माइनस वन करेंगे, इतना तो सबको आता है ना, आता है कि नहीं आता? अब क्या, अब क्या, अब ये क्या है, ये क्या है? दिस इज ट्रू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, बराबर, और ये क्या है, दिस इज ट्रू वेलोसिटी ऑफ विंड, बराबर। ये भी मैंने कल बताया था, क्या आपको याद है, जाते थे आपको मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो आप माइनस किसको करते हो, आप माइनस करते हो ट्रू वेलोसिटीज को, है ना। कल मैंने बोला गाड़ी चल रही है 100 पे, एक गाड़ी चल रही है 110 पे, वो क्या है, वो उन दोनों की ट्रू वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आप ट्रू वेलोसिटीज को माइनस करते हो, क्या ये बात भी सबको समझ में आई? बोलो, ये वाली बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है कि आप ट्रू वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो? बोलो जल्दी फटाफट, क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? ठीक है, और ट्रू वेलोसिटी क्या होती है, अभी अभी मैंने लिख के दिया, ट्रू वेलोसिटी इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम एट रेस्ट। ट्रू वेलोसिटी हरदम एक ऐसे फ्रेम के साथ होनी चाहिए जो रेस्ट पे हो, बराबर। अगर ट्रू वेलोसिटी एक ऐसे फ्रेम के साथ होनी चाहिए जो रेस्ट पे, फ्रेम मतलब क्या, वो पेड़ हो सकता है, वो आपके स्टेशन का कोई कैंटीन हो सकता है, वो आपके स्टेशन पे कोई पोल हो सकता है। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों गाड़ियां चलना स्टार्ट हो गई एक साथ तो आप अपनी कैसे पता करेंगे कौन सी गाड़ी चालू हुई? आप स्टेशन पे कोई कैंटीन ढूंढेंगे, कोई पोल ढूंढेंगे, उसको पकड़ के देखेंगे, हाँ भाई हमारी हमारी ट्रेन मूव हुई है कि नहीं। इन सब चीजों से आपको यह समझ में आया कि कभी भी अगर आप किसी बंदे की ट्रू वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज डन विद द फ्रेम एट रेस्ट। फ्रेम मतलब किसी चीज को पकड़ो जो रेस्ट पे है और उसके रिस्पेक्ट में बताओ कि ट्रू वेलोसिटी कितनी है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेम एट रेस्ट चूज करना चाहिए, वो फ्रेम एट रेस्ट हमें चूज करना चाहिए क्या, अर्थ। बात को समझो, अगर आप पृथ्वी पे रहते हो और अगर आप ये बोल रहे हो कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर पर आर पे चल रही है, तो ये 100 किलोमीटर पर आर आपने किसके रिस्पेक्ट में बताया, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अर्थ क्या है, रेस्ट पे। अर्थ के अंदर जितने भी प्राणी लोग हैं उनके लिए अर्थ रेस्ट पे है, ये बात सब लोगों ने समझनी है। तो जो ट्रू वेलोसिटीज हम बताएंगे, वो ट्रू वेलोसिटीज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारा काम 90% तो इजी हो गया। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कैन बी रिटन एज एरोप्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो आपको पहले से ही दी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वाले फॉर्मूले से
ये वाले फॉर्मूले तक आने के लिए आपने कुछ भी नया नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। ऐसा मत सोचिए कि हमने यहां से यहां आने में कोई नया फॉर्मूला बना दिया, नहीं, बस कल तक तुम्हें इस बात का पता नहीं था। क्या पता नहीं था? कि वो जो फैमिली की गाड़ी 100 किलोमीटर पर आर की जा रही है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में 100 किलोमीटर पर आर है। दुनिया की हर एक चीज का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। आप भी अगर भाग रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में भाग रहे हो? अर्थ के रिस्पेक्ट में भाग रहे हो। दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम। अगर मैं ये आपको नहीं भी बताता, मैं सिर्फ बोलता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, आप खुद बोलते सर 300। अगर मैं पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, आप खुद बोलते 100। अगर मैं आपको ये नहीं भी बताता, ये नॉलेज मैं अगर आपसे छुपा भी देता तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डायरेक्टली आपको पूछता बताओ एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है, आप 300 ही बोलते थे। और अगर मैं आपको पूछता बताओ विंड की वेलोसिटी, आप 100 ही बोलते थे। पर मैंने क्यों आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी? ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठे कि कभी भी हम किसी बंदे की वेलोसिटी बताते हैं, ट्रू वेलोसिटी, तो वो फ्रेम एट रेस्ट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। और हमारे क्वेश्चन में वो फ्रेम एट रेस्ट अर्थ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम एट रेस्ट अर्थ ही होता है। आप अगर पेड़ के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी बता रहे हो, पेड़ का है, अर्थ पे ही तो है। क्या ये बात सब लोग के दिमाग में क्लियर हो रही है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ऑल ऑफ यू आर फीलिंग ओके विद दिस थिंग? कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, डन है? एक मिनट, ईस्ट टू वेस्ट का थोड़ा लफड़ा लग रहा है। कंपास देखते हैं एक बार, हम लोग जहां बैठे हैं उसके हिसाब से वेस्ट किधर है। ठीक है, मानस कह रहा है अर्थ भी तो रोटेट करता है। मानस 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 बेटा, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में इतने डिटेल में हर चीज बताई थी, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, आप जब मेरा अगला लेक्चर आए तो मेरा पिछला लेक्चर पढ़ के आए। कितनी बार आपको चीजें बताई हैं, बोलो, ये एग्जांपल में क्या बताया था, याद आया? ये एग्जांपल, गाड़ी मूव कर रही है नहीं कर रही, गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आ रहे, पर अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपके साथ और एक बंदा बैठा हुआ है, तो आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो कि नहीं हो, भले गाड़ी मूव कर रही है। समझ में आ रही है बात? अगर आप अर्थ घूम रहा है, पर आप अगर अर्थ के अंदर बैठे हो तो आपके लिए अर्थ नहीं घूम रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कार के अंदर बैठे हो और आप कार के अंदर कोई भी एक चीज को पकड़ लो, कोई भी कार के अंदर, आदमी छोड़ दो, भूल जाओ कार के अंदर कोई आदमी है, आप एक काम करो, कार के अंदर अपने म्यूजिक सिस्टम को देखने लग जाओ, क्या म्यूजिक सिस्टम अपनी रफ्तार बदल रहा है? क्या म्यूजिक सिस्टम हर बार आपकी आंखों के सामने है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप और कार एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। बात को समझने की कोशिश करो कि जब आप ये बोलते हो कि मैं अर्थ पे बैठा हूं, आपका डाउट ये था ना कि सर अर्थ तो रोटेट कर रहा है, कौन मना कर रहा है, सही में अर्थ रोटेट करता है। पर अगर आप अर्थ पे बैठे हो अभी, तो मेरे को बात बता दो, आपको पैदा हुए अभी 15 साल हो गए होंगे या 16 साल हो गए होंगे, क्या आज तक किसी को ये फीलिंग आई कि अर्थ रोटेट कर रहा है? आई? Did any time you get a feeling till now, अभी आपके पैदा होने से लेके अभी तक से कभी भी आपको एक सेकेंड के लिए भी ये फीलिंग आई हो कि अर्थ घूम रहा है? हाँ, हालांकि चक्कर वक्कर आए उस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको चक्कर वक्कर आ गए उस वक्त अर्थ घूमता है मेडिकल टर्म्स में, बट रियलिटी में कभी ऐसा फीलिंग आया, होशो आवाज में फीलिंग आया? नहीं आया। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मानस हम लोग मून पे चले जाते हैं,
और मून से हम लोग अर्थ को देखते हैं, तो क्या लगता है मानस, अब अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ, अब अर्थ घूम रहा है। जैसे कि मैंने कल बोला था, कार के बाहर खड़े होके, कार के बाहर खड़े होके जो इंसान कार को देख रहा है, जो इंसान कार को बाहर से खड़े होके देख रहा है, वो इंसान के लिए कार भी मूव कर रही है और कार के अंदर बैठे हुए लोग भी मूव कर रहे हैं। फ्रेम चेंज हो गया। आप कहां बैठ के कौन सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली टू की वाले वाली गाड़ी में बैठ के फैमिली वन को ऑब्जर्व करना और फैमिली वन के गाड़ी में बैठ के फैमिली टू को ऑब्जर्व करना, जमीन आसमान का फर्क था, अगर आपको याद आएगा तो। आ रहो पायल, आ रहो आपके डाउट के ऊपर आ रहा हूं। अभी तक से मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्यों आपने देखी। अगर ये नहीं भी समझाता तो भी आप लोग बाय डिफॉल्ट यही आंसर देते। क्लियर है? किसी को डाउट है? डन? अभी तक का सब डन है, ठीक है। अब पायल का डाउट सुनिए। सर तो फिर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड रेस्ट पर होगा क्योंकि दोनों अर्थ के अंदर है। बात को समझे। आप फैमिली वन की गाड़ी में बैठे थे, फैमिली टू की गाड़ी में बैठे थे, क्या फैमिली वन की गाड़ी भी मूव कर रही है, फैमिली टू की गाड़ी भी मूव कर रही है? पर आपने फैमिली टू की गाड़ी में बैठ के फैमिली वन को ऑब्जर्व किया था कि नहीं किया था? और आपने फैमिली वन की गाड़ी में बैठ के फैमिली टू को ऑब्जर्व किया कि नहीं? जब मैंने कल आपको रिलेटिव वेलोसिटी नाम का टॉपिक पढ़ाया तब मैंने आपको क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा कार्यक्रम होगा कि आप मूव होती हुई चीजों में बैठ के एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। बोला था कि नहीं बोला? रिलेटिव वेलोसिटी जब मैंने टॉपिक कल पढ़ाया था तो मैंने साफ साफ बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों लोग मूव कर रहे होंगे और इसको इसके रिस्पेक्ट में बताना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में बताना है। कल की चीजें आसान क्यों लगी? क्योंकि कल कार में बैठना आसान था, कल बाइक पे बैठना आसान था। अब एक एरोप्लेन है और दूसरी हवा है तो क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा? नहीं, हवा पे बैठो, जाके बैठो हवा पे। अगर क्वेश्चन बोलता है ना फाइंड द क्या वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, यही बोला ना क्वेश्चन में, यही बोला ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, यही बोला ना क्वेश्चन में, बराबर है कि नहीं? बताओ आप किधर बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो कि विंड पे बैठे हो, किधर बैठे हो? बोलो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, बताओ कहां बैठ के किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बताओ। जैसे कल मैं आपको पूछ रहा था ना, आप फैमिली वन की गाड़ी में बैठ के फैमिली टू को देख रहे हो, टू पे बैठ के वन को देख रहे हो, बताओ आज किस पे बैठ के किसको देख रहे हो? क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ऐसा ही बोला है ना, बताओ आप कहां बैठे हो? हाँ, आप हवा में बैठे हो और हवा में बैठ के आप एरोप्लेन को देख रहे हो। हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, एरोप्लेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है और हवा पे बैठ के आप एरोप्लेन को नोटिस कर रहे हो। जैसे कल आप फैमिली टू की गाड़ी में बैठ के फैमिली वन को देख रहे थे, तो क्या बच्चा पार्टी ऐसा हो सकता है कि आप जब कार में बैठे हो तो आपको चीजें समझ में आती है, हवा पे बैठ के नहीं समझ में आती? ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर है कि नहीं? कंसेप्ट तो सेम है ना, कार में बैठो हवा में बैठो की फर्क पैदा है। परंतु यहां पे इस क्वेश्चन में खाली इतना डिफरेंस नहीं है कि हवा पे बैठना है या एरोप्लेन को देखना है, इतना डिफरेंस नहीं है। कल के हमारे एग्जांपल्स में हमारी फैमिली वन और फैमिली टू दोनों की कार पैरेलली जा रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा। आज लफड़ा क्या है पता है क्या? आज लफड़ा यह है, एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ में, हवा जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। इमेजिन करो, एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ में, हवा जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट और हवा पे बैठ के नॉर्थ में जाने वाले एरोप्लेन को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन आसान तो नहीं आएंगे, पर नॉलेज है तो समझ में तो आ रहे हैं, धीरे धीरे कर करके एक एक स्टेप समझ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा।
आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कितनी चीजें बदल गई, पर बेसिक तो वही रहा है, बेसिक तो वही है। अभी किसी को और कोई डाउट है तो फटाफट पूछ के लो मेरे को, अगर अभी किसी को और कोई डाउट है तो फटाफट पूछ के लो। डन, ऑल ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जरा मैं वापस लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। फिर हमारा फॉर्मूला बना वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे हमें कहानी आगे बढ़ानी है। हर चीज जरा सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि चीजें कैसी बन सकती हैं। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 300 किलोमीटर पर आवर इन जे कैप। सो दिस विल बी रिटन एज 300 जे कैप। पुट अ माइनस साइन। What is the velocity of wind with respect to earth? It's 100 kilometers per hour in minus I cap. So this will be 100 kilometers per hour in minus I cap. This thing can be written as 300 J cap. This minus and this minus will become plus, and you can write it as 100 I cap. थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं हम इसको, 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या रियलिटी में हो रहा है? एक्चुअल में एरोप्लेन इधर जा रहा है और विंड इधर जा रही है। सोच के देखिए, एरोप्लेन इज गोइंग हियर, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, सॉरी दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो द एरोप्लेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट? एरोप्लेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द एरोप्लेन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट? व्हाट कैन वी डू इज दैट, हम इस वेक्टर को उठा के ऐसा घुमा देते तो ये डायग्राम ऐसा दिखने लगेगा। ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का वेक्टर ऊपर जा रहा है, उसको रहने दो। अगर आप चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप चाहते हो तो इस वेक्टर को उठा के थोड़ा इधर घुमा दो। तो अगर आपने इस वेक्टर को उठा के इधर घुमा दिया तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन वेक्टर चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर की जगह पे आप एक माइनस साइन लगा सकते हो। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा माइनस 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप। अब क्या सर ऐसा करना जरूरी है? करना जरूरी नहीं है, पर आपके टेस्ट बुक में माइनस 100 आई कैप आ रहा है और कोई बच्चा कल को टेस्ट बुक ओपन करके देख के कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने समझाया कि ऐसे कैसे आया। टेस्ट बुक अगर आप ओपन करके देखेंगे वहां पे माइनस 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा माइनस कहां से आया वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, दे हैव जस्ट टर्न्ड द वेक्टर दिस साइड, एंड अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है और उसको उल्टा कर दिया तो ऑब्वियसली बात है एक माइनस साइन लगा सकते हैं।
नहीं लगाया, ये कार्यक्रम नहीं किया, इतना कार्यक्रम किया तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। गेटिंग इट? पक्का? डन डन डन। सबको समझ में आया ये बात? मैंने क्या बोला, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा था, खाली उस वेक्टर को उठा के उल्टा कर दिया। क्यों उल्टा किया? ताकि रिजल्टेंट निकालने में इजी हो जाए। ऐसा रिजल्टेंट निकलेगा, यहां पे ऐसा निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सही है, ये भी सही है। डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, अब सिर्फ हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ प्लस अंडर रूट ऑफ 100 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको चार जीरो मिलेंगे, 300 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको चार जीरो मिलेंगे, बराबर है? शिफा, पहले आई कैप का टर्म आता है फिर जे कैप का टर्म आता है, लिखने का तरीका है ना, पहले आई कैप, जे कैप, फिर के कैप, इसलिए अदला बदली किया, पहले आई कैप लिखा फिर जे कैप लिखा। चलिए इसको जरा ऐड करेंगे आप, तो कितना आएगा आपके पास, 9000, 9000 नहीं है, ये एक और जीरो बढ़ जाएगा ना, बराबर? एंड यू कैन राइट दिस एज 100 root 10, और यू कैन राइट इट एज 100 meters per second, हो गया। लास्ट एंड फाइनल थिंग, डायरेक्शन निकालना चाहिए, थीटा टैन इनवर्स 300/100, ये आपका डायरेक्शन, और आप इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स -3, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। डन डन। और अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं, और अच्छे से लिखना चाहते, डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, ये देखो ये जो डायरेक्शन होगा ना, अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सा है? दिस इज नॉर्थ ईस्ट। मैंने माइनस वाला लेके सॉल्व किया है, माइनस माइनस हर जगह पे माइनस है, तो माइनस वाले के लिए ये डायग्राम है, तो माइनस वाले के लिए डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अगर आप माइनस लेके सॉल्व नहीं करते, अगर आप प्लस लेके सॉल्व करते हो, आंसर सब कुछ सेम आएंगे, खाली आप क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट। ये देखो वेस्ट, ये एरो किधर जा रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जा रहा है, इसे यू विल कॉल इट एज नॉर्थ वेस्ट अगर आप प्लस लेके सॉल्व करते हो, और अगर आप माइनस लेके सॉल्व करते हो तो वेक्टर इधर घूम गया तो अब आपका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। पर आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, खाली आपने डायग्रामेटिकली सामने वाला इंसान को बताना है कि आप नॉर्थ ईस्ट बोलोगे कि नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, वो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको जो पसंद आए आप करो, उसका टेंशन नहीं है। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो टेक्स्ट बुक वाले ने टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने ये वाला डायग्राम फॉलो किया, ये वाला। हाँ बेटा, प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, पर थ्री तो आएगा ना, थ्री आएगा कि नहीं आएगा? आपकी मर्जी, आप प्लस लेके सॉल्व करो या माइनस लेके सॉल्व करो, कोई कोई पंगा नहीं है। आपको प्लस लेके करना है, माइनस लेके करना है, आपकी मर्जी है, उसमें कुछ नहीं है। दिस इज द डायग्राम फॉर द माइनस वन एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लस वन। टेक्स्ट बुक ने ऐसा किया है, इसलिए मैंने समझा दिया कि यहां पे ये एक्स्ट्रा माइनस कैसे आया। देखो 100 के साथ माइनस आया, पर क्या हमारे 100 के साथ आपको यहां पे माइनस दिखाई दे रहा है? यहां पे कोई माइनस नहीं है, यहां पे कोई माइनस नहीं है। कैन यू सी, हमारे 100 के साथ माइनस नहीं आ रहा, उसके 100 के साथ माइनस आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसने वेक्टर को
बदला, उसने इधर के वेक्टर को, वेस्ट में जाने वाले वेक्टर को घुमा के इधर कर दिया और फिर एक माइनस साइन लगा दिया, इसलिए उसका फाइनल आंसर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। पर अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते, क्रिश वो लॉग बुक से आता है बेटा, लॉग बुक से आता है बेटा वो, अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल से करिए, सिंपल से करिए। आपका थीटा कितना आएगा? आपका थीटा आएगा टैन इनवर्स ऑफ, सिर्फ आप लिखेंगे 300/100, कैंसिल हो जाएगा। आपका थीटा आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना? टैन इनवर्स ऑफ 3, खत्म। पर यहां पे लिखते वक्त आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखते वक्त आपको क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी? इज दैट क्लियर? नहीं सूरज, मैं आपको पहले क्लियर करके बता रहा हूं, आपकी मर्जी, ये यूज करो या ये यूज करो, कोई भी है। मेरे को ये समझाना ही नहीं चाहिए था आप लोगों को, पर मैंने क्यों समझाया आप लोगों को ये? कल को ऐसा ना हो कि कोई ना कोई बच्चा टेक्स्ट बुक जाके देखे और मुझे बोले कि सर आपने जो लिखा था ना उसमें 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप है, पर सर टेक्स्ट बुक में माइनस 100 आई कैप लिखा हुआ है, सर आपने गलत सॉल्व किया कि टेक्स्ट बुक ने गलत सॉल्व किया? कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कल को अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये चीज आती है, ओके, पर टेक्स्ट बुक ने यहां पे माइनस 100 आई कैप कैसे लिखा? टेक्स्ट बुक ने ये वेक्टर उठा के घुमा दिया। आप टेक्स्ट बुक फॉलो करो या यहां से नॉर्मल फॉलो करो, कोई फर्क नहीं आने वाला, सेम आंसर आने वाला है। अगर आप नॉर्मल फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दिस डायग्राम, तो कुछ नहीं होने वाला। कैसे लिखोगे आप? अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, आंसर अभी भी 100 रूट 10 आएगा, यानी कि 312 किलोमीटर पर आर ही आने वाला। थीटा कैसे लिखोगे? टैन इनवर्स 300/100, अभी भी आपका आंसर टैन इनवर्स 3 आने वाला है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस 3 आया, यहाँ पे प्लस 3 आया, वो तो आना ही था क्योंकि आपके वहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस है, तो वो माइनस यहां दिख रहा है। बस यहां लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो इस वाले डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखो, आपका रिजल्टेंट वेक्टर किधर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, माइनस वाले में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, माइनस वाले में नॉर्थ ईस्ट, प्लस वाले में नॉर्थ वेस्ट। समझा? क्लियर है अभी सब लोग के दिमाग में? टेक्स्ट बुक देख के कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना? बराबर है कि नहीं? आपको जो परवर्ड है वो यूज करो, पर प्लस में रख के रखना है, प्लस में करो, कुछ नहीं होगा। लॉग बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राम निवास चौहान, एनी मोर डाउट्स? समझा? 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 टेक्स्ट बुक, आई होप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक को साइमल्टेनियसली रेफर करते हैं, या फिर लेक्चर के बाद मेरी शीट्स और टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं साथ में, तो लेक्चर के बाद अगर ये कंफ्यूजन आता है तो दिमाग खराब हो जाता है, बहुत बड़ा दिमाग खराब होता है। फिर ऐसा लगता है सर ने ऐसा क्यों लिखा, टेक्स्ट बुक ऐसा क्यों लिख रहा है, सर ने गलत लिखा कि टेक्स्ट बुक ने गलत लिखा, फिर और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए मैंने क्लियर किया, अभी कंफ्यूज होने के लिए क्लियर नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? इस वाले का डायग्राम, इस वाले का सोल्यूशन ये है, इस वाले का सोल्यूशन ये है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जहां जहां माइनस है उसमें वेक्टर को घुमा दिया है, ठीक है? हाँ अभिषेक गुले, आपने जो एंगल निकाला है टेक्स्ट बुक में वो लॉग बुक की मदद से निकाला है। मैंने 4 बार ये चीज रिपीट की, लॉग बुक के मदद से एंगल निकालते हैं। लॉग बुक, लॉग बुक। क्रिश, सर पर राइट साइड में होता है और राइट में प्लस एक्स पॉजिटिव होता है। अरे बाबा क्रिश,
को एक बात बता, तेरा वेक्टर अगर पहले से ही नेगेटिव है आदर्श शर्मा, आज के बाद लेक्चर में दिखना मत, पहले बोल के रखता हूं, आज के बाद लेक्चर में दिखना मत तू मेरे को। दिख गया बेटा आज के बाद लेक्चर में, तेरे को बताता हूं। आदर्श शर्मा 9326, ठीक है, आज के बाद आना मत लेक्चर में, पहले बोल के रखता हूं। क्या होगा, गेस करो क्या हुआ होगा, बताओ तुम लोग, गेस करके बताओ ना क्या हुआ होगा। आज आज के बाद, आज तक लेक्चर में कुछ ऐसा हुआ है? तुम लोग गेस करके बताओ क्या किया होगा आदर्श शर्मा 9326 ने, बोलो क्या करते हैं हमारे बच्चे जिंदगी का, एक एक ही तो मजा लेते हैं वो लोग लेक्चर में, क्या है वो मजा? बस यस, सोने की बीमारी है सबको, या दिमाग का दही हो रहा है। टेक्स्ट बुक ने क्या किया, चल रहा क्या है, कौन सा वेक्टर किधर जा रहा है, पब्लिक सोने में व्यस्त है। सोचो सोचो कैसे समझेगा पब्लिक को। फिर पब्लिक एक दिन के बाद ना पब्लिक को जोश आता है, अरे बाप रे मुझे पढ़ना चाहिए। फिर पब्लिक लेक्चर में आती है, पर पहले का कुछ पता ही नहीं था, फिर आगे के लेक्चर नहीं समझते, खत्म हो गई कहानी। लॉग बुक पे भी लेक्चर होगा, उसका टेंशन नहीं है, पर लॉग बुक का क्या है पता है क्या, 1 घंटे आधे घंटे का कमाल है, आपको 2 मिनट में लॉग बुक समझ में आ जाएगा। मतलब यहां से ये एंगल, टेक्स्ट बुक ने जो एंगल निकाला ना 71.6 डिग्रीज, उसका टेंशन नहीं है मुझे, वो आपको आ जाएगा। पर मुझे क्या समझाना है, उससे बड़ी चीज आपकी आंखों के सामने है, क्या आपको वो चीज समझ में आ रही है, वो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। एक क्विक रिकैप मार रहे हैं, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए, क्विक रिकैप है, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने पेज नंबर 1 में समझाई, वो मैंने ये समझाई, जो मैं नहीं भी समझाता तो भी तुम लोग को पता नहीं चलता, तुम लोग को सच में पता नहीं चलता कि ये अर्थ वाली कहानी क्या थी, क्योंकि आई कैन इजिली स्किप कॉन्सेप्ट्स विच डोंट मेक अ डिफरेंस। अगर मैं तुम्हें ये बोलता बताओ एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है 300, बताओ विंड की वेलोसिटी कितनी है 100, पर फिर भी अधूरी नॉलेज उतनी ही डेंजरस होती है। हरदम याद रखना, फैमिली वन की गाड़ी 110 पे चल रही थी अर्थ के रिस्पेक्ट में, दुनिया की हर एक चीज अर्थ के रिस्पेक्ट में चलती है, और अर्थ रेस्ट पे होता है, अर्थ रेस्ट पे होता है। कल को अगर आप बोल रहे हो कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा हूं, अरे पर 10 किलोमीटर पर आर की रिस्पेक्ट में बाइक चला रहा हूं, पर तुमने किसके रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर पर आर बोला, अर्थ पर। अर्थ क्या है, रेस्ट पे है। अच्छा तो तुम्हारी वैल्यू सही है, तो तुम्हारी वैल्यू ट्रू है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में एरोप्लेन की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में 300 है, विंड की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में 100 है, कल को एक चिड़िया उड़ रही होगी उसकी रफ्तार भी अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर दी होगी, कल को एक ट्रेन चल रही होगी उसकी रफ्तार भी अर्थ के रिस्पेक्ट में होगी। पर आपने समझा क्या, आपने दिन जिन दो लोगों के बारे में यहां पे बात की, एरोप्लेन और विंड, उन दोनों की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तभी माइनस कर पा रहे हो, तभी माइनस कर पा रहे हो, ये बात दिमाग में रखना। एरोप्लेन की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, हवा की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, यह फॉर्मूला लिखना, सबको आया? एरोप्लेन की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, विंड की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, हम तैयार है आगे बढ़ने के लिए। यह वैल्यू कितना है, व्हाट इज द एरोप्लेन की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, 300 जे कैप। व्हाट इज द विंड की रफ्तार अर्थ के रिस्पेक्ट में, -100 आई कैप दिया हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट किधर होता है, ईस्ट इधर होता है,
वेस्ट इधर होता है, ईस्ट टू वेस्ट माइनस 100, खत्म होगी बात, माइनस 100 आई कैप, ठीक है बढ़िया। अब क्या, अब जब हम आगे बढ़े, हमने सब कुछ पुट किया, देखो एरोप्लेन अर्थ 300 जे कैप, माइनस पहले से था, माइनस पहले से है, विंड और अर्थ 100 आई कैप, यहां पे माइनस है, माइनस आई कैप है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, सामने लिख दिया, 100 आई कैप पहले लिखा, 300 जे कैप बाद में लिखा, खत्म हो गया, डायग्राम बनाया, नॉर्थ और एरोप्लेन विंड जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाएगा डायरेक्टली, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, 100 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर, काम खत्म, 100 रूट 10 310, काम खत्म, ठीक है। अगला क्या, थीटा टैन इनवर्स 300 बाय 100 टैन इनवर्स 3, डायरेक्शन किधर है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर कहां जा रहा है, नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, रिजल्टेंट वेक्टर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, काम खत्म, आगे आंसर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम गए टेस्ट बुक के पास, फिर हम गए टेस्ट बुक के पास, टेस्ट बुक, फिर एक स्टूडेंट ने देखा कि सर टेस्ट बुक में तो माइनस 100 है सर, आपने 100 लिखा है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि प्लस 100 का माइनस 100 कैसे हुआ, प्लस 100 का माइनस 100 होने के लिए टेस्ट बुक ने इस वेक्टर को घुमा दिया है, क्यों घुमाया चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट बुक ने उसका कंपनसेशन भी तो किया, कंपनसेशन का मतलब क्या है, वेक्टर घुमा के माइनस साइन भी तो लगाया, ये वेक्टर इधर देख रहा है तो वो 100 आई कैप था, याद रखना वो पहले से माइनस था, इसकी वजह से वो प्लस हुआ, इधर देख रहा था ना, उसको माइनस ही पुट किया था हमने, हमने उसको माइनस आई कैप ही पुट किया था, वो प्लस कैसे हो गया, इस वाले माइनस की वजह से प्लस हो गया, टेस्ट बुक ने इस वेक्टर को घुमा के इधर कर दिया और एक माइनस साइन लगा दिया और उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया, की फर्क पड़ता है, फर्क कहां पड़ा, फाइनल आंसर में माइनस 3 आया और अब टेस्ट बुक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, देखो टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बस इतना फर्क पड़ रहा है, पर हमें समझ में आ रहा है ना, ठीक है तुम वेक्टर घुमा रहे हो इसलिए तुम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, खत्म हो गई बात, पर अगर आप वेक्टर नहीं भी घुमाओगे, सीधा सीधा जो है वो भी करोगे, तो कौन सा कुछ टेंशन है, यहां से यहां आ जाओ, क्या टेंशन है, समझने में कुछ प्रॉब्लम तो थी नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग वेयर इज नॉर्थ वेस्ट, बट इफ यू ओपन द टेस्ट बुक एंड यू गेट कंफ्यूज्ड, कम बैक हियर एंड रिमेंबर दे हैव जस्ट टर्न्ड द वेक्टर्स एंड माइनस साइन आ गया, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, किसी को बात समझ में आ रही है क्या, कि अभी भी टेंशन में हो, डन, क्लियर, एनी मोर डाउट्स, अभिषेक आई कैप हरदम एक्स एक्सिस के साथ लगता है, जे कैप हरदम वाई एक्सिस के साथ लगता है, ठीक है। साई स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं वो फ्री फॉल कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं होगा, सैटेलाइट्स आर इन अ फ्री फॉल कंडीशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने फ्री फॉल पढ़ा होगा, फ्री फॉल के टाइम पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट करती है, तो उसके बारे में बातचीत नहीं होगी, पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सैटेलाइट किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो अर्थ पे खड़े होकर अगर आप सैटेलाइट को देखोगे, फॉर एग्जांपल यू सिट ऑन अर्थ, है ना, यू सिट ऑन अर्थ एंड यू लुक एट अ सैटेलाइट, व्हाट डज दैट मीन, इफ यू आर सिटिंग ऑन अर्थ एंड यू लुकिंग एट अ सैटेलाइट, अभी सैटेलाइट के बारे में साई ने पूछा है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आता है कभी ना कभी जनरल नॉलेज में आ जाएगा, ये अर्थ है, ठीक है,
आपने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम सुना होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है, सपोज करो यहां पे कोई कंट्री है, वो कंट्री अपना सैटेलाइट लॉन्च करती है और वो सैटेलाइट एग्जैक्टली उस कंट्री के सामने घूमता है, एग्जैक्टली उस कंट्री के सामने होता है वो सैटेलाइट 24 घंटे 365 डेज। जैसे इंडिया का अपना खुद का एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। अब तुम्हें पता है कि अर्थ घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, तो तुम्हें पता है क्या, दिन और रात होने के बाद ये कंट्री जो यहां थी वो कंट्री यहां आ जाएगी, तो उसका सैटेलाइट भी घूम के एग्जैक्टली उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि वो सैटेलाइट हरदम उस कंट्री के सामने होता है। तो अर्थ जैसे घूमता है तो वो सैटेलाइट भी उसके हिसाब से घूमता है, मतलब ये अपना कंट्री, ये अपना अर्थ, ये अपना सैटेलाइट ऐसे उसके साथ साथ घूमेगा। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है ऐसे, दिन और रात जो होती है ना, दिन और रात। अब क्या होगा, अगर किसी ने तुमको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अनुराग सिंह क्या क्या कैसे? अभी तू वही तो अनुराग सिंह नहीं है ना जिसको मैंने अभी निकाला? कौन बोला रहे अमन पठान तुमको कि सैटेलाइट का ऑर्बिट नहीं होता? ग्रेविटेशनल चैप्टर में क्या कर रहे थे तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में? सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है, अरे बाबा सैटेलाइट, सैटेलाइट को ऐसे फेंका जाता है एक ऑर्बिट में कि वो उसके सामने रहता है। तुम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा क्या 11th स्टैंडर्ड में? 11th स्टैंडर्ड में था ना ग्रेविटेशन चैप्टर? डिड यू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड? हैव यू हर्ड अबाउट अ ग्रेविटेशनल चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड? वॉज देयर अ चैप्टर कॉल्ड एज ग्रेविटेशन इन, सॉरी नॉट 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, नॉट इन 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, सॉरी, सुना 10th स्टैंडर्ड में, याद है? याद है, याद है, 10th स्टैंडर्ड में याद है। अच्छा चलो, याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं। ऐसा कुछ होता है जिससे सैटेलाइट अर्थ के सामने आ जाता है, बस अर्थ नहीं उस कंट्री के साथ में आ जाता है यार, उसको ऐसा फेंकते हैं। एस्केप वेलोसिटी नाम की एक चीज, एस्केप वेलोसिटी सुना होगा 10वीं में, एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट कैन मूव आउट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर एंड इट कैन रोटेट, अराना फलाना, सुना था 10वीं क्लास है यार, कम ऑन यार। फिलहाल वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। इस सवाल का जवाब दो, सैटेलाइट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है? बोलो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट? 0 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन करो, इमेजिन करो, पहले वाले में तुम कहां बैठे हो बताओ, पहले वाले में तुम कहां बैठे हो? वेयर आर यू सिटिंग? बोलो, पहले वाले में तुम कहां हो? तुम अर्थ पे बैठे हो, बराबर है। दूसरे वाले में तुम कहां हो? तुम सैटेलाइट में बैठे हो। तुम अर्थ पे बैठ के सैटेलाइट को देख रहे हो और यहां पे तुम सैटेलाइट पे बैठ के अर्थ को देख रहे हो। चलो बैठो, सब लोग बैठो, बैठ गए, अरे बैठे क्या, यहां बैठो, बैठो यहां, बैठे सब लोग, अर्थ पे बैठे, देखो सैटेलाइट को देखो, 24 घंटे 365 डे सैटेलाइट तुम्हारे सामने ही है, हालांकि तुम भी घूम रहे हो, तुम भी घूम रहे हो, सैटेलाइट भी घूम रहा है, तुम्हारे पास भी वेलोसिटी है,
सैटेलाइट के पास भी वेलोसिटी है पर फिर भी तुम्हारे लिए सैटेलाइट रेस्ट पे है एंड दिस एग्जाम्पल गोज इनटू करस्पॉन्डेंस विद दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल गोज इनटू द करस्पॉन्डेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल. तुम लोगों ने अगर ये एग्जाम्पल को हल्के में लिया होगा तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो. तुम लोग को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो, 10 बजे मेरे सामने, 10:10 पे मेरे सामने, 10:30 पे मेरे सामने, क्या कर रहे हो सर, हल्के में लिया होगा, तुम बेवकूफ इंसान हो. इस एक एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें समझाई है, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी सारी चीजें समझाई है तुम्हें. क्या मतलब था, अगर ये बंदा तेरे बाजू में है, कार मूव कर रही है, इमेजिन कार इज मूविंग, यू बोथ आर मूविंग, स्टिल यू बोथ आर एट रेस्ट विथ ईच अदर. देखो ना, देखो ना, कार की वेलोसिटी 100 है, तुम्हारी वेलोसिटी 100 है, बी की वेलोसिटी 100 है, पर द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0 रिलेटिव. कल का लेक्चर जो था उसमें जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए बेटा, वो एग्जाम्पल तुम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे तुमको. मतलब ऐसा समझो कि जो 15-20 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उन बुक्स, मेरे खुद का दिमाग, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन, सब चीज लगा के मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल्स दिए. मतलब वो 4-5 पेज में तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ दिमाग लगाने की देरी है. देखा, कार वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कोई फर्क है क्या, मुझे खाली इतना बता दो. कार वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में तुम्हें इतना सा भी फर्क दिख रहा है? पर समझो, कल को अगर कार वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पढ़ाया और एग्जाम में सैटेलाइट आया तो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे. क्या तुम ऐसा सोच सकते थे कि अगर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है इसका मतलब क्या होगा, वो 365 डेज और पूरे साल भर मेरी आंखों के सामने है. अगर कोई चीज तुम्हारे आंखों के सामने है मतलब वो रेस्ट पे है ना भाई, भले तुम घूम रहे हो, भले सैटेलाइट घूम रही है, रेस्ट पे हो. पर याद रखना, सैटेलाइट के पास वेलोसिटी है, अर्थ के पास वेलोसिटी है, पर एक दोनों के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो. अब यही कहानी अगर हम फ्रेम चेंज कर दें, इफ यू चेंज अ फ्रेम, कौन सा फ्रेम, लेट्स टेक अ फ्रेम ऑफ अ मून. अब क्या, मून के रिस्पेक्ट में अर्थ भी मूव कर रहा है, मून के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट भी मूव कर रही है, दोनों मूव कर रहे हैं. अब फ्रेम रेफरेंस बदल गया, फ्रेम रेफरेंस बदल गया. अगर मैं मून पे खड़े होकर सैटेलाइट को देख रहा हूं, आज यहां दिखती है, कल यहां दिखेगी, मूव कर रही है, मून पे खड़े होकर देख रहा हूं तो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये वर्ड तुम्हें बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए है फैमिली वन की गाड़ी में बैठने का है कि फैमिली टू की गाड़ी में बैठने का है, अर्थ पे बैठ के देखने का है कि सैटेलाइट पे बैठ के देखने का है. ये वर्ड मैंने तुम्हें कल बताया ही नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भारी भारी वर्ड सुन के टेंशन में आ जाओ, बस खत्म होगी कहानी. अभी भी किसी को डाउट है, कह रहे जल्दी जल्दी बोल दो रे. सैटेलाइट की वेलोसिटी अभिषेक गुले डिपेंड करती है आपके ऑर्बिट पे, पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की वेलोसिटी सेम रहती है. अबे मुंह खोलो, बोलो, समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट करो. समझा है, अभी भी किसी के दिमाग में डाउट है? कोई रॉकेट वॉकेट का सवाल पूछ रहा था, वो चैट सेक्शन ऊपर चले गया, मैंने देखा नहीं. मीटरॉइड विटरॉइड के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा एंट्रेंस में बताऊंगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कहां बैठ के किसको देख रहे हो. जैसे यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सैटेलाइट है. किस में बैठ के किसको देख रहे हो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. जिस चीज में बैठे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. शिवम जल्दी कर. हाँ, कृष्ण ने क्या सवाल पूछा था, सर अगर आप मार्स पे कार ले जाएं
तो सर अगर हम उस कार में बैठे हैं तो उसकी वेलोसिटी पे चल रही है, तो मार्स हमारे लिए रेस्ट पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। सर मून के रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट की वेलोसिटी भी जीरो ही आएगी ना। अबे कैसे जीरो आएगी बे, मून के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट की वेलोसिटी कैसे जीरो आएगी? आप मून पे खड़ोगे, जरा इसको देखो, जस्ट लुक एट दिस सिटिंग ऑन द मून। कभी सैटेलाइट तुम्हें यहां दिखाई देगी, कभी सैटेलाइट तुम्हें यहां दिखाई देगी, तो कैसे हो जाएगा? क्लियर है? हाँ, सूरज ने क्या बोला था कि सर अगर हम मून पे हैं और अर्थ का रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी? इट डिपेंड्स सूरज, इट डिपेंड्स अर्थ की वेलोसिटी कितनी है, रॉकेट को कितने पे फायर किया जा रहा है। शिवम एडमिशंस ओपन। अबे कौन है भाई, 1 मिनट होल्ड करो रे। हेलो, अरे बाबा लेक्चर ले रहा हूं, आप लेक्चर के बीच में 4 बार मुझे वीडियो कॉल कर रहे हो। मैं लेक्चर लू कि आपकी बात सुनू? आपको पता है 9 बजे तक लेक्चर है? अरे आपको पता है कि नहीं 9 बजे तक लेक्चर है? 9 बजे के बाद बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप लेक्चर के बीच में कॉल करके मुझे, आप 2 बार बैक टू बैक कॉल कर रहे हो आप मुझे, इमेजिन करो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको पता है मैं लेक्चर ले रहा हूं, 9 बजे तक लेक्चर है, यू नो दैट थिंग। जाने दो। शिवम आई थिंक सो कि चालू हो गए एडमिशंस। एक पीडीएफ शायद सुरेंद्र सर ने ग्रुप पे भेजा था, वो पीडीएफ में सारी डिटेल्स हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं गुस्से में हूँ। चलो क्लास आज के लिए खाली इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। अगर सैटेलाइट मून के अराउंड घूम रहा है तो वेलोसिटी जीरो होगी। सैटेलाइट मून के अराउंड, हाँ आपको खाली इतना चेक करना है, आपको खाली इतना चेक करना है कि अगर ये अर्थ है, अगर ये मून है, ठीक है, और मून के अबाउट आपने कोई सैटेलाइट देख ली, मून के अबाउट अगर आपने कोई सैटेलाइट देख ली तो वो जियो स्टेशनरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जियो स्टेशनरी का मतलब समझो। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है एग्जैक्टली हमारे एक पर्टिकुलर चीज के सामने। अब अगर मून घूमेगा तो ये सैटेलाइट भी उसके हिसाब से घूमेगी। समझो ये वाला पॉइंट घूम के यहां पे आ गया तो सैटेलाइट भी घूम के वहीं पे आ जाएगी, सैटेलाइट भी घूम के वहीं पे आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट और मून के रिस्पेक्ट में जीरो है। ठीक है, डन है क्लास। आई होप आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आता है अंडर वाटर का भी एग्जाम्पल आ सकता है, बट उसमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि पानी की रफ्तार, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। हम जब इसका एंट्रेंस करेंगे तब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में अच्छे खासे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको चुन्नू मुन्नू एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर तब खत्म होगा जब हम, हमको लगेगा खत्म होगा। चैप्टर हम अभी के अभी आज भी खत्म कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, पर जब तक मुझे ये फीलिंग नहीं आएगी कि तुम्हें फीलिंग आ रही है तब तक चैप्टर चलता रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है, चलो बाय। सॉरी जल्दी छोड़ रहा हूं, थोड़ा मूड अपसेट हो गया। ठीक है, चलो बाय।